नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी बहन को दिया धोखा। वो भी क्या दिन थे जब हम भाई बहन थे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा कहने के लिए तो हुड्डा को अपना भाई कहती है, लेकिन हुड्डा और उनके समर्थक कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के लिए लामबंद है। हटा पाए या नहीं यह अलग बात है। जब शैलजा को कांग्रेसी भाइयों ने निशाना बनाया तो ढाल बनकर उनके भाजपाई भाई ओम प्रकाश धनखड़ मैदान में आ गए। बोले, शैलजा अनुसूचित जाति से आती है, संवेदनशील नेता है, उन्हें हुड्डा काम नहीं करने दे रहे। हुड्डा अनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को भी कांग्रेस से बाहर निकाल चुके हैं। भाजपा अपने अध्यक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब 16 वर्ष पहले शैलजा के सपोर्ट में हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तो गाते थे, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमको संग रहना है। लेकिन जब हुड्डा और उनके समर्थक गा रहे हैं हमको शैलजा के साथ नहीं रहना है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा भी अपने बेटे के लिए राजनीतिक राह ढूंढ रहे हैं। वे भी अपने बेटे की राजनीति को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ये तो भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी कि क्या बन पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।